दोस्तों, हमारे क्षेत्र में और हमारे स्थान जहां हम रहते हैं वहां पर उपलब्ध प्राकृतिक जो संसाधन है, ये रॉ मटेरियल है, उनका सदुपयोग करके कितनी खूबसूरत चीज़ें हम अपने घर में या परिसर में निर्माण कर सकते हैं, उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण आपको इस वीडियो में इन सीढ़ियों में दिख रहा होगा। ये पत्थर हैं, इनको कहीं से ख़रीदा नहीं गया है, यहीं पर जब इस क्षेत्र में जब ये स्पेस लिया गया तो ये ज़मीन चूँकि पहाड़ से लगी हुई है और समतल नहीं है, तो जब इसको समतल किया गया तो ये समतल करने के दौरान ये सारे पत्थर यहीं से निकले और इन पत्थरों का इस्तेमाल करके बहुत सुंदर सीढ़ियाँ, यहाँ सीढ़ियाँ कह सकते हैं, इनको बैठने की जगह भी कह सकते हैं, और इसके पीछे जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन किया गया है वहाँ पर एक बड़ा भारतीय तरीके से, भारतीय पद्धति से बनाया गया भोजनालय है, वो भी हम आपको किसी वीडियो में दिखाएंगे कि वो भी बहुत खूबसूरत है। तो उसके यानी कहने का मैं जो कहना चाह रहा था कि इसके पीछे जो भी कुछ कंस्ट्रक्शन या निर्माण किया गया है उसको मजबूती भी प्रदान होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, बारिश के सीज़न में पानी वगैरह बह के आते हैं तो मिट्टी का कटाव होता ही है, तो इन सीढ़ियों को बना देने से एक वो भी मदद हो जाती है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है और जो स्ट्रक्चर पीछे बना है उसको भी मजबूती मिल जाती है। आइए थोड़ा सा हम पास चल के देखते हैं, अभी कुछ यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, कैसी ये चीज़ें बनती हैं। सिंपल है वैसे, देखने समझ में आ रहा है, पत्थर के ऊपर पत्थर जमाते जाते हैं और उनको मजबूती प्रदान करने के लिए सीमेंट से उसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं। तो कोई बहुत विशेष विज्ञान तो इन पत्थरों को जमाने में नहीं है, फिर भी जानकार लोग ही इसको ठीक से बना पाते हैं, जमा पाते हैं। तो ये राजन भैया हैं इस आश्रम के सहयोगी, वो गोविंद भैया हैं नीचे जो खड़े हैं, और ऊपर प्रकाश भैया हैं। तो प्रकाश भैया यहाँ के मेन आर्किटेक्ट कह सकते हैं, जो काम करते हैं। प्रकाश भैया, कोई विशेष कला इनको जमाने में बताओ, कैसे जमाते हैं? उनका तरीका देखने पड़ता है, लाग साग। हाँ, वैसा रहता होगा ना कि बड़े पत्थर पहले अपन नीचे पहले बड़े रखते होंगे नीचे। हाँ, बड़े रखते हैं, ऊपर छोटे। हाँ, उनका लेवल देखने पड़ता है, उनके मुंह। हाँ, कैसे जमने कैसे नहीं जमने। तो ये जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं मिस्त्री लोग, उनको तो आइडिया होता है कौन सी चीज़ कैसे नीचे जमानी है, ऊपर जमानी है। तो बीच में अभी सब जमाते जाते हैं कि बीच में वो भी लगाते हैं प्लास्टर वगैरह? कुछ नहीं, सीमेंट वगैरह कुछ नहीं, नहीं। उस हाइट ज़्यादा होती ऊंचाई। हाँ, में डालते हैं बीच बीच में, बीच बीच में। तो जैसे अच्छा, उनकी हाइट तो ज़्यादा नहीं रही ना, वो तो सीढ़ियाँ जैसे इसमें लगा। हाँ, यहाँ लगा, हाइट ज़्यादा रहती है तो बीच बीच में लगाते जाते हैं। यहाँ चल रहा है ये काम, अभी पत्थरों को जमा रहे हैं, अभी यहाँ कुछ सीढ़ियाँ रह गई हैं बनने के लिए, और जहाँ जहाँ पेड़ होते हैं पेड़ के अगर चारों तरफ भी इस तरह से पत्थरों को लगा देते हैं तो पेड़ों को भी सुरक्षा मिल जाती है और खूबसूरत भी दिखने लगते हैं। ये वो मैं स्पेस की बात कर रहा था कि पीछे जहाँ पर ये एक बड़ा भारतीय पद्धति से बना हुआ भोजनालय है और ऊपर दिख ही रहा है पहाड़, तो पहाड़ से जब मिट्टी आती है बह के तो मिट्टी का कटाव ना हो और ज़्यादा मिट्टी बह के ना जाए, उसके लिए ये सीढ़ियाँ उस मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती हैं। ऊपर से देखने में कैसा दिखता है ये, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इन सीढ़ियों का कुछ हमने अभी
उपयोग देखा कि इनको बनाने से फ़ायदा क्या है। इनका उपयोग ऐसे होता है कि जब बहुत सारे लोग इस जगह को विज़िट करने आते हैं, देखने आते हैं, तो इन्हीं सीढ़ियों पर स्टेडियम में भी हम देखते हैं क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह के जो स्टेडियम होते हैं उनमें भी ज़्यादातर बैठने की ऐसी व्यवस्था होती है। इन सीढ़ियों पर वो बैठ जाते हैं और सामने यहाँ जो स्पेस दिख रहा है वहाँ पर जो भी इस यहाँ पर बैठी हुई ऑडियंस को एड्रेस करना चाहता है या उससे कुछ बात करना चाहता है तो वो उसको एड्रेस भी कर सकते हैं, वो करते हैं। तो आप लोगों के मन में ये इस तरह से सवाल आ रहे होंगे कि ये घर है तो क्यों ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, कौन लोग आते होंगे जो यहाँ पर बड़ी संख्या में बैठकर कुछ कॉन्फ्रेंस करते होंगे, मीटिंग करते होंगे, वो क्या यहाँ देखने आते होंगे। तो वो सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम विभिन्न वीडियो के माध्यम से दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आखिर ये घर ऐसा है तो क्यों है और ऐसा घर हमारे पास अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। वो सब चीज़ें जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम ऐसे खूबसूरत वीडियो और जानकारी आपको आपके सामने लाने के लिए वीडियोस बनाते रहें और आपसे शेयर करते रहें। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ और खूबसूरती से भरी कुछ कुछ गतिविधियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री सीताराम।